नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। एक राक्षस करता है घर और मंदिर की रक्षा, जाने कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राक्षस आपके घर या मंदिर की रक्षा करता हो? निश्चित ही आपने इस राक्षस की तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, लेकिन आपको इनका नाम या इसके कार्यों के बारे में पता नहीं होगा। वैसे जहाँ तक मंदिरों की बात करें तो अधिकतर मंदिरों में देवता या अवतारों के गढ़ द्वारपाल होते हैं, जो वहाँ की रक्षा करते हैं। और यदि हम देवताओं की बात करें तो भैरव महाराज, गरुड़ भगवान और रामदूत हनुमान जी के मंदिरों की रक्षा करते हैं। हालांकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि राक्षस की। ये राक्षस ऐसा है जिसकी देवताओं की तरह पूजा होती है, क्योंकि ये घर मंदिरों की दोनों की रक्षा करता है, बशर्ते उनकी विधिवत रूप से स्थापना की गई हो। कई लोग इस राक्षस की फ़ोटो अपने घर के बाहर द्वार के ऊपर भी लगाते हैं और आसपास की दीवारों पर भी लगाते हैं। इस राक्षस का नाम है कीर्तिमुख। कहते हैं कि इस राक्षस की उत्पत्ति भगवान शिव ने खुद की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। उस समय दैत्य राहु ने भगवान शिव पर लगे चंद्रमा को ग्रस लिया, इससे चंद्र ग्रहण हो गया। इसे देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। राहु अपनी शक्ति पर घमंड करता था। शिव जी ने राहु का घमंड चूर करने के लिए अपने ही एक कर्ण से कीर्तिमुख की उत्पत्ति की। शिव जी ने कीर्तिमुख को आदेश दिया कि राहु को खा जाओ। ये देखकर राहु घबरा गया और वह शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। ये देखकर भोले भंडारी को दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद वे पुनः तपस्या में चले गए तो कीर्तिमुख ने कहा कि प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी, अब मैं किसे खाऊं? तपस्या में लीन महादेव ने कहा कि तुम खुद को ही खा लो। ये सुनते ही राक्षस ने खुद को ही खाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि कीर्तिमुख अपने पूरे शरीर को खा गया है और अब सिर्फ हाथ और मुख ही बचा है। ये देखकर शिव जी ने उसे रोका और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। आज से तुम जहाँ भी विराजमान होगे वहाँ की नकारात्मक शक्तियों को खा जाओगे, वहाँ के द्वेष और क्रोध को भी खा जाओगे। इसके बाद से ही कीर्तिमुख को देवताओं की तरह पूजा जाने लगा, जो कि घर और मंदिर के आसपास की नकारात्मक शक्तियों को खा जाता है। लोग उसके मुख को घर और मंदिर के बाहर स्थापित करते हैं। बहुत से भारतीय मंदिरों में मुख द्वार के ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर धर रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता नजर आएगा, वही कीर्तिमुख है। कुछ लोगों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने योग शक्ति के बल पर कई शक्तियां हासिल कर ली थी और बाद में शिव जी का मजाक उड़ाने और अपमानित करने लगा था। उसे अपनी शक्तियों पर घमंड हो चला था। शिव ने क्रोध में आकर एक राक्षस बनाया और इसे इस योगी को खाने का आदेश दिया। योगी शिव जी के चरणों में गिर गया तो शिव जी ने उसे क्षमा कर दिया। आपको ये कीर्तिमुख की कथा और राक्षस की कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।